आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर रूलर्स का सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। रूलर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं टैब सेट करने के लिए और टेक्स्ट और जो ऑब्जेक्ट्स या जिस तरह कोई पिक्चर वगैरह अगर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं तो उसको अगर हम मूव करना चाहें तो उसके लिए हम रूलर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले रूलर्स जो हैं वो हर डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं, हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से रूलर सेट करने पड़ते हैं। तो रूलर सबसे पहले लाने का क्या तरीका है? इसके दो तरीके हैं रूलर को लाने के लिए। सबसे पहले आप व्यू में जाइए और यहाँ पर जहाँ पर रूलर लिखा हुआ है इसके बॉक्स को, ये छोटा सा डब्बा बना हुआ है, इसको चेक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट के ऊपर वाली तरफ एक रूलर आ जाएगा और बाईं जानेब एक और रूलर आ जाएगा। ये रूलर्स प्रिंट लेआउट जो व्यू है हमारा उसके अंदर नजर आएगा। अगर हम ड्राफ्ट व्यू में हो, जिस तरह मैं क्लिक करूंगा ड्राफ्ट व्यू में, तो ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ हमें ऊपर वाला रूलर नजर आएगा और जो बाएं जाने वाला रूलर था वो नजर नहीं आएगा। तो मैं वापस प्रिंट लेआउट में जाता हूं और ये था एक तरीका रूलर को लाने का। दूसरा तरीका बहुत आसान है जिसमें हम रूलर फौरन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो ये है कि राइट हैंड साइड पर ये जो व्यू रूलर का छोटा सा आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दें आप, तो ये रूलर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूलर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये था रूलर लाने का तरीका और किस तरह हम